हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे एफएलई इंडिया का शेयर के बारे में और इस शेयर को डिस्कस करने का रीजन क्या है। देखिए, आज के सेशन में इसमें अपर सर्किट पर लॉक हुआ है और 1212 रुपये का क्लोजिंग दिया है, जो कि अभी तक का हाइएस्ट लेवल क्लोजिंग है। क्लोजिंग बेसिस पे ये हाइएस्ट लेवल है। और यदि बात की जाए हाइएस्ट का, इसने जो है मार्च में, यानी 4 मार्च को देखा जाए, 5 मार्च को इसने जो है 1260 रुपये के आसपास, यानी 1256 रुपये के आसपास का एक हाई बनाया है। तो हो सकता है आज जो है 1212, तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा देखने को मिलेगा दोस्तों वो है 1254 का। और वो किस तरह से अचीव होगा वो हम लोग देखते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, और इसके बाद हम लोग जो है इसके जो है फंडामेंटल को देखेंगे और क्या काम करती है, उसका प्रोस्पेक्ट क्या है, आने वाले समय में क्या इसको रिवेन्यू हो सकता है, क्या इसको, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ बात करते हैं यदि एक साल के चार्ट पर देखें, यदि 28 अक्टूबर 2020 का चार्ट देखें, तो ये शेयर जो है वहाँ पर 500 के लेवल पर यहाँ पर जो ट्रेड कर रहा था, लो देखा जाए और वो हाई देखा जाए तो 540 का ये हाई था। और 540 का देखिए दोस्तों, इसने क्लोजिंग बेसिस पे दिया था और 540 का हाई इसने जब तोड़ा है, तो वहाँ से देखिए इसने जो रनअप दिखाई है, ये वन नॉन स्टॉप रनअप जो है 793, लगभग 800 का लेवल का यहाँ पे जो है हाई दिखाया था। और फिर जो है वहाँ से ड्रैग हुआ था और कितना पे, 699, यानी 700 के आसपास का, यानी 697, यानी 700 माना जाए, तो इस लेवल पे इसने जो है यहाँ पे जो फर्स्ट, और यहाँ से जब उठ के आया था फिर इसने जो है नीचे के लेवल दिखाए थे और यहाँ से 700 के लेवल को इसने तोड़ा नहीं। और बात किया जाए तो ये लेवल यदि क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो एक हाई जो है इसका जो लगा था 1 जनवरी को लगा था 802 रुपये का, तो ये देखिए काफ़ी समय से, यदि बात कर ले 2 दिसंबर से लेकर और बात कर ले 4 फरवरी तक, दो महीने इसने कॉन्सल्टेंस किया। और कॉन्सल्टेशन के बाद जो है इसने जो है 4 ट्रेडिंग सेशंस में एक हाई लगाया था, वो था 1123 रुपये का दोस्तों। और इसको मार्क करते हैं, देखिए यहाँ पे एक क्लोजिंग हुई है और बात कर ले यहाँ एक क्लोजिंग हुई है 1 अप्रैल को, और बात कर ले एक क्लोजिंग हुई है 23 अप्रैल को, और इसके नीचे जब बंद हुआ है तो इसमें जो है एक पोजीशन जो है नीचे की तरफ आया है। और नीचे के लेवल को मार्क करते हैं दोस्तों, तो वो ये जो यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, यानी आपका 1018 के आसपास, यानी 1018 1010, तो मान के चला जाए 1000 रुपये का जो है इसने जो है कॉन्सल्टेशन किया, और जब इसने 1000 रुपये को तोड़ा था तो वहाँ देखिए 17 जून को इसने तोड़ा और यहाँ से अच्छा खासा जो है नीचे के लेवल देखे, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी था 765 के लेवल पे इसने जो है लो लगाया था, ये लो था आपका 24 अगस्त के आसपास का, 23 अगस्त को। और बात कर लिया जाए तो यही एक लेवल था जो कि आपको दिसंबर से जनवरी के लेवल में मिल रहा था, और इसी लेवल में आपको क्या करना चाहिए था, एक्यूमुलेट करना चाहिए था। यदि इस लेवल पे आप एक्यूमुलेट करते, इस लेवल पे यानी 800 के नीचे आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहाँ से नीचे आता तो आप मान के चलते ये आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते, क्योंकि यहाँ पर 2-3 बार इसने जो है सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे आप चांस ले सकते थे इस लेवल पे। और यहाँ तो देखिए यदि बात कर ले 768 रुपये का 23 अगस्त, तो यहाँ से एक महीने में आपको जो है अच्छा खासा जो है 1176 और आज के डेट में 1200 रुपये का अपमूव दिखाया है, तो 800 से 1200 यानी 50% का, यानी यहाँ से जब 50% से ज़्यादा का ड्रैग हुआ था, यहाँ से नीचे आया था 1253 से 1256 से, तो आपको 50% डिस्काउंट पे ये शेयर मिल रहा था, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी आपको निकालने की। और दूसरा एक लेवल होता था, यदि वहाँ नहीं खरीद सकते थे, चलो नीचे लेवल नहीं खरीदना है, तो आप एक अपर लेवल जो डिसाइड करते, यदि इस लेवल को 1000 के लेवल को जब तोड़ रहा था तब एक पोजीशन बनाते, तो भी आपको यहाँ से 25% के आप मूव मिल जाते। तो इस तरह से यदि वहाँ पे भी आप नहीं खरीदते तो आपको लगता है कि फिर जो है आप देखिए ये जो लेवल था जो कि काफ़ी समय पर देखिए क्लोजिंग इस बेसिस पर हर ग्रीन क्लोजिंग दे रहा था, तो जिस लेवल पे यदि बात कर ले 1128 के लेवल को जब इसने तो ऊपर क्लोजिंग दी, तो आपको क्या करना चाहिए था, यहाँ से भी खरीद के चलना चाहिए था। और देखिए मैं हर शेयर को तो डिस्कस नहीं कर सकता, मेरे पास ऐसा नहीं है, 4-5 वीडियो मैं मैक्सिमम बना दूँ तो बहुत है, मेरे पास ऐसा नहीं है कि आपको 500 शेयर्स के हम अपडेट कर दूँ, तो वैसा नहीं हो पाता है। तो आपको भी अपने लेवल पे काम करना चाहिए, तो वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी बात करें यहाँ से क्या अपसेट हो सकता है, देखिए दोस्तों यदि 1:5 का बोनस दे रहा है और इसका यदि हम लोग बात कर ले, अब चलते हैं थोड़ा सा ये काम कहाँ करती है, तो उसके लेवल पर हम लोग लेवल डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या डिलीवर हो सकते हैं। तो देखिए न्यूज हमने पहले देख लिया, तो यहाँ पर देखिए एफएल इंडिया शेयर हिट अपर सर्किट फॉर द सेकंड डे पोस्ट स्टॉक स्प्लिट, शुड यू बाय और होल्ड,
वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो ये एक न्यूज था मिंट में, और ये देखिए जो है आपको 1:5 का, तो जो होगा वो 250 रुपये के आसपास आपको चलेगा जो 5 शेयर में, यानी 10 का फेस वैल्यू है, 2 का फेस वैल्यू हो जाएगा और 1 के बदले 5 शेयर आपको मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ये कंपनी करती क्या, तो देखिए इसका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट देखा जाए दोस्तों, तो वहाँ पर देखें यदि देख ले तो इसका 15 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड है, परफॉर्मेंस ड्रिवन बिजनेस मॉडल है, स्केलेबल एंड डेटा परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म है, हाई ग्रोथ मार्केट है, जो इसका मार्केट है एडवर्टीजमेंट का वो ग्रोथ हाई ग्रोथ मार्केट है दोस्तों, और ग्रोथ ड्रिवन ग्लोबल कस्टमर बेस है इसके पास, और एक्सेलरेटेड कंज्यूमर डिजिटल एडॉप्टेशन है। तो आपको मालूम है जैसे मोबाइल पर जो आपका एडवर्टीजमेंट चल रहा है, तो जो डिजिटल एडॉप्टेशन लोगों में बढ़ रहा है, तो उससे इसको बहुत आने वाले समय में और भी फायदा होगा, क्योंकि अभी और भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो देखने की चीज़ें हैं, जैसे आपका अभी टीवी पे है वो चीज़ें जब डिजिटल होंगी, यानी मोबाइल पे जो है ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आएगा रदर देन आपके टेलीविजन से, तो वहाँ पे इनको फायदा होगा। ग्लोबल रीच अपॉर्चुनिटीज है, लीडिंग इंडिया का जो प्रोस्पेक्ट है आने वाला समय में वो लीड करेगा, कमिटेड लीडरशिप है, पॉजिटिव कैश फ्लो है, और रोबस्ट प्रोफिटेबिलिटी है, और बात करें स्ट्रेटेजिक का ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ प्लान्स है दोस्तों इसका, और यहीं पर देखा जाए परफॉर्मेंस हाईलाइट देखा जाए दोस्तों, तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस है ईयर एंड ईयर बेसिस पर देखिए 69.8% का आप दिखाया था Q1 F22 में यदि कंपेयर किया लास्ट क्वार्टर से, और वहाँ पे 56% का एबिटा ग्रोथ देखा गया है, पैड जो है 57.2% देखा गया है, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा जाए तो 134.2% बढ़ा है दोस्तों, ये बहुत आरओई देखा जाए 37 और आरओसी जो है 16%, तो ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पे इनके क्षेत्र में। और बात कर लें यहाँ पे CAGR का, तो Q1 में जो CAGR आता है वो 41.0% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है, यदि Q1 ग्रोथ देखा जाए अभी का वो 69.8% है, तो ये एवरेज है जिसपे ये ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। देखिए आपका Q1 19 में देखा जाए तो वहाँ पे 544 था, आज के दिन में 1525 यानी 3 गुना हो चुका है, इस रेट से बढ़ा है। तो और बैलेंस कंट्रीब्यूशन ट्रेंड देखा जाए तो अच्छा खासा जो है आप देखिए FY20 में 49.7% और 50.3% रहा है रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन का इंडिया वर्सेज इंटरनेशनल का, तो यहाँ पे इंटरनेशनल ये 50% इंटरनेशनल का हो गया और इंडिया का जो है 49.7% रहा है, जो कि स्टेबल है और कम हुआ, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट का बढ़ा है इनका। और बात कर लें यहीं पे इनका जो एबिटा ग्रोथ हुआ है 42.7% Q1 में हुआ है, और Q1 ग्रोथ ईयर एंड ईयर पे देखा जाए तो 56.6% का हुआ है, और यहीं पे देखा जाए ऑपरेटिंग कैश फ्लो का, तो देखिए 419 करोड़ होता था FY18 में, देखिए 2018 में, आज के दिन में 21 में देखिए 1003 का, यहाँ पे आपको लगभग जो है 2 गुने से ज़्यादा यानी 2.5x इसका बढ़ा है, और ROE देखा जाए 37.4%, ROC जो है 16.10%, ROA जो है 15.4, और यहीं पर तो ग्रोथ है, डेप देखा जाए बहुत कम है 0.38%, और नेट डेप देखा जाए तो 0.16% है। और यदि बात किया जाए इनके जो है कन्वर्टेड यूज़र का जो तो यहाँ पर देखा जाए 37.7% का, और ईयर ईयर देखा जाए 85% का ग्रोथ है। और बात करें टॉप 10 रेजिलियंस वर्टिकल अक्रॉस EFGH कैटेगरीज में देखा जाए तो ई कॉमर्स, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, फिनटेक, FMCG, फूड टेक, और बात कर लें जी कैटेगरी में गेमिंग, गवर्नमेंट एंड ग्रोसरी आता है, एच कैटेगरी में हेल्थ टेक आता है, तो ये सारे में इन्होंने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। और देखिए यहाँ पे देखिए यदि FY20 की बात करें तो वहाँ पर देखिए 57%, और बात करें 22 का Q1 का 71% का ग्रोथ देखने को मिला है, और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन पर देखा जाए तो यहाँ पे 90% प्लस इस क्षेत्र से आपका रेवेन्यू आता है। और बात कर ले 6 बिलियन न्यू कनेक्टेड कंज्यूमर डिवाइसेस टू एडेड 2025, तो 6 बिलियन हो जाएगा 2025 में जो कंज्यूमर डिवाइसेस है, और उस पर एड जो है बहुत ज़्यादा स्पेंड करेगा मोबाइल फ़ोन पे, और डिजिटल एड स्पेंड देखिए 9% से बढ़ रहा है, मोबाइल ऐड जो है 11% से बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छा इंक्रेजिंग है। और बात करें इंडिया का CAGR का, ये तो ग्लोबल CAGR है, इंडिया का सबसे अच्छा है, 32.4% का CAGR मिल रहा है मोबाइल ऐड स्पेंड में, और ई कॉमर्स मार्केट में 24.24% का मिल रहा है, तो ये देखिए आपको बैंक में भी 6-7% ग्रोथ मिलता है आपके पैसे में, यदि इंडस्ट्री इतनी 32% 24% से बढ़ रहा है, तो आप सोचिए कि कितना ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म में होल्ड किया जा सकता है इस कंपनी को, और सस्टेनेबल जो है प्रिंसिपल देखा जाए तो ये सारे CSR पर काम करते हैं, और टोटल शेयर्स देखा जाए तो FIs का क्या है,
एफआईज का देखा जाए दोस्तों, तो वहाँ पे 22.7% अच्छा खासा स्टेक है, और म्यूचुअल फंड का 7% और 10% जो है आपका अदर है, और ये देखिए 59.9% जो है प्रमोटर होल्डिंग है। तो ये सारे होल्डिंग्स हैं। और ब्रोकरेज कवरिंग देखा जाए तो कौन कौन से ग्रोपर, नुमेरा, आईसीआई सिक्योरिटीज, बैंक ऑफ बड़ौदा, और बात करें एचएनआई में शेर खान, एक्सिस सिक्योरिटीज, ऐसे ये सारे चीज़ें जो है इसको कवर कर रहे हैं। और बिजनेस मॉडल देखा जाए दोस्तों तो उसमें देखा जाए ग्लोबल रीच देखा जाए इसका, तो इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ऐसा देखा जाए तो 49% से जो है रेवेन्यू ग्रो हुआ है, और वहीं इंटरनेशनल रेवेन्यू जो है 50.3% से ग्रो हुआ है इन क्षेत्रों में। तो ये सारे चीज़ें हैं। न्यू कन्वर्जन जो है अच्छा खासा हुआ है, एग्जिस्टिंग यूजर ऑपरेशन, तो देखिए ये सारे ऐड जो मोबाइल पे चलते हैं उस फील्ड में ये कंपनी काम करती है। और स्विगी का बात किया जाए, ड्राइविंग बिजनेस ग्रोथ इन इंडिया, और बात के एफ सी का देखिए लेवाइस, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इस पे आपको लगता है यदि आप टेक्निकल भी देखें तो इसमें जो है अभी सेफ रिकवरी देखने को मिली है, और इस हाई को तोड़ता है तो फिर यहाँ से आपको 1500 का टारगेट मेरे हिसाब से मिलना चाहिए शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करते हैं 2 से 3 सालों में दोस्तों, तो ये 5G जब आ जाएगा तो ये ऐड जो है मोबाइल पर बहुत अच्छा ट्रेंड करेगा, तो वहाँ पर इनको बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इन तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लेके आऊं और मुझे इंक्रीज कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।